पापियों का मन फिराने के लिए धर्म में ढिलाई करने वालों को उत्साहित करने और भरे लोगों को पवित्र करने का बड़ा लाभदायक उपाय है। क्रूस के रास्ते के समय हम मन ही मन यीशु के साथ कलवारी पहाड़ की शोकमय यात्रा करते हैं। चलते चलते और देखते देखते हम अपने हृदय में प्रेम और धन्यवाद का भाव उत्पन्न करें। शुरू करने से पहले सारे हृदय से पश्चाताप की विनती बोलिए। इस बात का भी विचार कीजिए कि किसके लिए दंड मोचन कमाना चाहते हैं, अपने लिए या सदक अग्नि की आत्माओं के लिए। पछतावे की विनती। हे मेरे ईश्वर, तू सबसे बड़ा अच्छा है। मैंने पाप किया है, मेरे सब पाप तेरे लिए मैं खेदा करता हूँ और देता हूँ। यीशु को प्राणदान की आज्ञा मिलती है। हम तेरी आराधना करते हैं हे क्रिस्ट, और तुझे धन्य कहते हैं। सिपाही लोग यीशु को कोड़ों से मार के और सिर पर कांटों का मुकुट धर के उसको पिलातुस के सामने लाते हैं। पिलातुस बड़े अन्याय से यीशु को प्राणदान की आज्ञा देता है। प्रार्थना। हे पूज्य यीशु, तुझे प्राणदान दिलाना पिलातुस का नहीं पर मेरे पापों का काम था। मैं हाथ जोड़ के तुझे विनती करता हूँ, तू अपनी इस दुखमय यात्रा के पुण्य फलों के द्वारा, जो यात्रा मैं स्वर्ग की ओर कर रहा हूँ उसने मुझे सहायता दी। हे यीशु, मैं तुझे सबसे अधिक प्यार करता हूँ। मैं सारे हृदय से पछताता हूँ कि मैंने पाप किया है। ऐसा कर कि मैं तुझे फिर कभी अलग ना हो जाऊँ, पर तुझे सदा प्यार करूँ। अब जैसा तू चाहता है वैसा ही मेरे साथ। हे पिता हमारे, जो स्वर्ग में है तेरा नाम किया जाए, हमारा प्रतिदिन का आहार हमें और हमारे अपराध क्षमा करें जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। जय सेवा आदि में तेरे नाम है और सदा रहेगी। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। मृत सभी विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति निवास करे। बड़ा हारे प्रभु साजी।
कंधे पर क्रूस लादा जाता है। हम तेरी आराधना करते हैं हे ख्रिस्त और तुझे धन्य कहते हैं क्योंकि तुमने अपने यीशु अपने कंधे पर भारी क्रूस ढोते ढोते हमको याद करते रहते थे। उन्होंने हमारे लिए अपने पिता को अपना मरण चढ़ाया। विनती हे प्राण प्यारे यीशु, जो दुख कष्ट तुझे अपने मरण तक उठाने पड़ेंगे उन्हें मैं सारे हृदय से ग्रहण करता हूँ। मैं गिड़गिड़ा के तुझसे विनती करता हूँ, दुख के पुण्य फलों के द्वारा जिसको तूने क्रूस होते समय उठाया मुझे सहायता दे, जिससे मैं पूरे धीरज और त्याग से अपना खुश हूँ। उनकी दुखी माँ की है। हम तेरी आराधना करते हैं हे क्रिस्त और तुझे धन्य कहते हैं क्योंकि तूने अपने पुत्र को इस दुनिया को बचाया। उस दुखमय मार्ग पर पुत्र और माँ की भेंट हुई। उनकी दृष्टि एक दूसरे के लिए दुख की तलवार सी थी जो उनके प्रेम में हृदय को छेदती थी। गिनती उस बड़े दुख के द्वारा जिसको मुझे इस हेट में उठाना पड़ा मेरे हृदय में तेरी पवित्र माँ के प्रति सच्ची भक्ति डाल दे और तू मेरी रानी जो दुख सागर में डूबी थी मुझे यह कृपा दिला कि मैं तेरे पुत्र के दुखों की याद करूं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं और हमें परीक्षा में न डाल।
कृपा से पुत्र के साथ लेकर आराधना करते हैं हे क्रिस्त और तुझे धन्य कहते हैं क्योंकि तूने अपने दुनिया को बचाया। यह देखकर कि यीशु मरने पर है यहूदियों को बड़ा डर लगा कि वह रास्ते ही में ना मर जाएं। वे तो चाहते थे कि यीशु क्रूस पर ही मर जाएं, इसलिए उन्होंने एक आदमी को पकड़कर उसको यीशु का क्रूस ढोने का हुक्म दिया। प्रार्थना। हे प्राण प्यारे यीशु, मैं सिमोन के समान तेरा क्रूस ढोने से इनकार ना करूंगा। मैं आनंद से उसे ग्रहण करता हूँ। मैं जीसस के वचन और शब्दों ग्रहण करता हूँ जिसे तूने मेरे लिए ठहराया। मैं तेरे मरण के साथ साथ यह सब कुछ तुझे चढ़ाता हूँ। तू प्रेम के कारण मेरे लिए मर गया, मैं भी तेरे लिए मरना चाहता हूँ। हर अपनी कृपा से मुझे सहायता दे। Hello.
सातवां स्थान यीशु दूसरी बार गिरते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे ख्रिस्त और तुझे धन्य कहते हैं क्योंकि तूने अपने पुत्र के द्वारा इस दुनिया को बचाया। दूसरी बार गिरने के कारण यीशु के सिर और अंगों की पीड़ा बहुत बढ़ती जाती है। प्रार्थना। हे अति मधुर यीशु, इतनी बार तूने मेरे पापों की क्षमा की और इतनी बार मैंने अपने नए पापों से तुझे अवसर दिया है। कृपा करके मेरे द्वारा गिरने के पुण्य फलों के द्वारा मुझे आपसे सहायता दे, जिससे मैं मरने तक कृपा की दशा में रहूं। ऐसा कर कि हर संख्या में मैं जल्दी तेरे पास सहायता मांगने आऊं। यीशु के लिए रोती कलपती है। हम तेरी आराधना करते हैं हे ख्रिस्त और तुझे धन्य कहते हैं क्योंकि तूने अपने पुत्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। ये स्त्रियां यीशु को लुहलुहान देखकर दया से भर आई और रोने कनपने लगी, पर यीशु ने उससे कहा, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो पर अपने और अपने बालकों के लिए रो। प्रार्थना। मैं अपने पापों के कारण रोता हूँ, इनके द्वारा मैं न केवल नरक के योग्य बन गया परंतु मैंने तुझे आकर्षण किया है। जबकि तूने मुझे इतना प्यार किया है, नरक और विशेष करके तेरे प्रेम की शरण मैं अपने पापों के कारण रोता हूँ। हमारे
अपराधियों को क्षमा करते हैं और हमें परीक्षा में न डाल, प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु जैसा अपने दृष्टियों में आधन तेरे का प्रफल यीशु, हे संत मां मरिया परमेश्वर की मां प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। पुत्र और पुत्र आत्मा की महिमा होवे, जय श्री प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, मरे हुए शासों की आत्माएं परमेश्वर की दया आमीन। हम तेरी आराधना करते हैं, हे पिता तुझे आराधना करते हैं, हे क्रिस्त और तुझे धन्य कहते हैं। क्रूस पर तीन घंटों तक मरण संकट के असहाय कष्ट झेलने के बाद यीशु अपना सिर झुकाते और मर जाते हैं। Thank you.
हे मेरे ईश्वर, तू सबसे अच्छा है, मैंने पाप किया, मेरे सब पाप तेरे लिए मैं लेना करता हूँ, अब उन्हें छोड़ देती हूँ, आमीन। हे मरने यीशु, जिस क्रूस पर तूने मेरे लिए मरा, उसको मैं बढ़कर से चूमता हूँ। अपने पापों के कारण मैं पूरी मरण के योग्य बन गया, पर तेरा मरण नाश है। अपने मरण के पुनर्पति के द्वारा मुझे यह कृपा दे कि मैं तेरे पापों की शरण लेकर तेरे प्रेम में मर जाऊँ। मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंप देता हूँ। जो स्वर्ग है तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसा इस पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे पाप हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने पापियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डालना से बचा। कृपा से पूर्ण प्रभु के साथ है धन्य तुझियों में, आधन्य तेरे दर का फल यीशु। हे संत मां मरियम, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए आप और हमारे मरने के समय, आमीन। पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थे अब है सदा संसार में, आमीन। हे क्रिस्त दयाकर, परमेश्वर की दया से शांति प्रदान करें, आमीन। यीशु क्रूस पर से उतारे जाते हैं, हम तेरी आराधना करते हैं हे क्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं क्योंकि तूने अपने दुनिया को बचाया। यीशु के मरने के पीछे दो चेले यूसुफ और निकोदीम यीशु को क्रूस पर से उतारते हैं। वे यीशु को उनकी दुखित माता की गोद में रख देते हैं। वह अकथनीय प्रेम के साथ उन्हें अपनी छाती से लगाती है। हे दुखों की माता, अपने पुत्र के प्रेम के कारण मुझे अपना दास बना और मेरे लिए विनती कर, और तू मेरे मुक्ति दाता, तू ही मेरे लिए मर गया, मैं तुझे प्यार करूं क्योंकि तेरे सिवाय मैं किसी को अधिक नहीं चाहता। मरियम उसके साथ जाती है और अपने हाथों से कब्र को ठीक करती है, फिर कब्र बंद करके
सब कोई वहां से देखने चले जाते हैं। मैं तेरी कब्र का पत्थर बड़ी भक्ति से चूमता हूँ, तू धोती से जिंदगी भी चूमता। मैं हाथ जोड़ के तुझसे विनती करता हूँ कि तेरे जीवन में दरबार, मैं भी तेरे समान महिमा और प्रताप में जीऊँ। इस साथी में स्वर्ग में चला निश्चित रहूँगा और अहंकार तक तेरी स्तुति करूँगा। हे यीशु, मैं तुझे प्यार करता हूँ, मैं सारे हृदय से पछताता हूँ कि मैंने पाप किया है। ऐसा करती मैं फिर कभी तुझसे अलग नहीं हो जाऊं, बस सदा तुझे याद करूं, जैसा तू चाहता है वैसा ही मेरे साथ कर। जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल परंतु भय से बचा। आमीन। कृपा से पूर्ण प्रभु के साथ है, धन्य तू नारियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए और हमारे मरने के समय। आमीन। जैसे सदा रहेगी। आमीन। Oh,
सरगुंजा के जुनाढ़ी पल्ली के विश्वासी गण, रघुनाथपुर के कुछ शिक्षक या कर्मचारी बंधु और चिरंगा के शिक्षक और कुछ मुक्ति पार के इतने सदस्य मिल के अंबिकापुर से डोंगरगढ़ तीर्थ यात्रा के रूप में आए थे और आज मिसा पूजा करने के पश्चात क्रूस रास्ता करके अभी फिर खाना उना खा के अभी विदा करने को जा रहे हैं, अपना स्थान को प्रस्थान करने जा रहे हैं। यहाँ आए हम लोग को बहुत ही अच्छा लगा, हादरों ने हम लोग की भरपूर सेवा की, सब तरफ से सहयोग प्रदान किए, फादर जी को धन्यवाद। तरफ से बोलना चाहता हूँ हमारे एक्का सर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हम लोग को यहाँ तक लाने में मार्गदर्शन दिए और यहाँ आने तक का हम लोग को मतलब फुल व्यवस्था किए, हम लोग को सहयोग किए और भी कहीं भी जाएंगे तो हम लोग को मतलब कि जरूर सूचना दें ताकि हम लोग मतलब कि याद करेंगे, कहीं तीर्थ स्थल हो जगह जाएंगे तो हम लोग को भी याद कर लीजिएगा गुरुजी। इसके लिए मैं गुरुजी सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और हमारे रघुनाथपुर तरफ से भी धन्यवाद देता हूँ। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सब जय श्री धन्यवाद।